हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के निरमंड खंड की कुशुवा पंचायत के स्कूल में अध्यापकों की कमी से सैकड़ों छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है। लोगों का कहना है कि कई बार इस मामले को उठाया गया है, लेकिन आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में उनके पास आने वाले लोकसभा चुनाव बहिष्कार के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दूरदराज कुशुवा पंचायत मुख्यालय का हाई स्कूल 3 अध्यापकों के सहारे चल रहा है। लोगों का कहना है कि विज्ञान एवं अंग्रेजी जैसे अहम विषयों के अध्यापक नहीं हैं। उनके बच्चों का सपना भी डॉक्टर इंजीनियर बनने का है, जो टूटता जा रहा है। 2000 से अधिक जनसंख्या वाली इस पंचायत के तहत कई गांवों के बच्चे 10वीं तक इसी स्कूल में पढ़ने आते हैं। यहाँ तक पहुंचने के लिए छात्रों को अपने गांव से 10 किलोमीटर पैदल तक चलना पड़ता है। इसके बाद भी उन्हें जवाबदेही नहीं मिल रही है। स्कूली छात्रों ने बताया कि उनके जो अरमान हैं, अब विश्वास है कि कभी पूरा नहीं होंगे। पढ़ाई के लिए आर्थिक तंगी के कारण बाहर नहीं जा सकते हैं। शहरों की तरह कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मार्च में बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं, उनका भी बिना पढ़ाई के कैसे सामना किया जाएगा, ये भी एक प्रश्न चिन्ह लगा है। लोगों को इससे लेकर कुशुवा हाई स्कूल में बैठक की और भावी रणनीति तैयार की। इस दौरान लोगों ने बताया कि नेता चुनाव निकट आते ही कई वायदे करके चले जाते हैं और उसके बाद दूर दराज के लोगों की सुध नहीं लेते हैं। इस बार अब लोगों ने निर्णय लिया है कि जब उनके बच्चों के भविष्य की परवाह नहीं कर रहे हैं, तो वे लोकसभा चुनावों में मतदान भी नहीं करेंगे। स्कूली छात्र गणकांत ने बताया कि वे अपने गांव से कुल 5 किलोमीटर पैदल चलकर आते हैं। उनका सपना था इंजीनियर बनने का, लेकिन स्कूल में अहम विषयों के अध्यापकों के पद रिक्त हैं। मार्च में बोर्ड की परीक्षा भी है, ऐसे में उनके सपने टूटते नजर आ रहे हैं। छात्रा कृतिका ने बताया कि उनका सपना शिक्षक बनने का था, लेकिन स्कूल में शिक्षकों की कमी से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उनका शिक्षक बनने का सपना भी साकार नहीं हो सकता है। मेरा नाम करणकांत है, मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल कुशवा का स्टूडेंट हूँ। मेरा गांव बाहन में है, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं अपनी ज़िंदगी में इंजीनियर बनना चाहता हूँ, परंतु यहाँ पर बहुत सी पोस्टें खाली हैं, जिसमें कि इंग्लिश साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे मार्च में, तो मुझे नहीं लगता है कि हम अपना बेस्ट दिखा पाएंगे वहाँ पर, तो मेरा इंजीनियर बनने का सपना टूटता जा रहा है। नाम बताइए। मेरा नाम कृतिका शर्मा है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। हमारे सब बच्चों के बहुत से सपने होते हैं, जैसे कोई टीचर बनना चाहता है, और यहाँ पे स्टाफ की कमी है। इस कारण जैसे हमारे कोई सपने होते हैं और वो टूट जाते हैं, पढ़ाई से हम अधूरे रह जाते हैं और दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं। यहाँ पर टीचर नहीं है, हमें यहाँ हम यहाँ पर बिना पढ़ाई के बैठे हुए हैं। हम बनना चाहते हैं जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस आदि बनना चाहते हैं, और यहाँ पर टीचर की कमी है, जैसे साइंस, ड्राइंग आदि टीचरों की कमी है। वहीं स्कूल की SMC सदस्य रंजना ने बताया कि स्कूल में कोई पढ़ाई का माहौल नहीं है। उनकी बेटी भी स्कूल में 10वीं में पढ़ती है। यहाँ केवल 3 अध्यापक हैं। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि उनके बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन अध्यापक ना होने से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि नेता लोग चुनाव के दौरान तो आते हैं और कई सपने दिखाकर चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होता है। इस बार उन्होंने निश्चय किया है कि लोकसभा चुनावों में एक भी वोट कास्ट नहीं करेंगे। मेरा नाम प्रोमिला शर्मा है, गांव कुशवा, क्या बोलते कुशवा की स्थायी निवासी हूँ, और यहाँ एक स्कूल हाई स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, और जिसमें काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं, और इस स्कूल में टीचरों की काफ़ी कमी है। इसमें स्टाफ 3 ही है, 3 ही टीचर है पूरे स्कूल में, वो कैसे पढ़ाएंगे इन बच्चों को। आने वाले लोकसभा के चुनाव में हम चाहते हैं कि हम उन नेताओं को वोट ना दें। यहाँ पे वोट मांगने काफी नेता लोग आते हैं, मगर वादे करके चले जाते हैं। वहीं कुशवा के सर्वदयाल कायत ने बताया कि कुशवा हाई स्कूल में केवल 3 अध्यापक हैं। महत्वपूर्ण विषय साइंस और अंग्रेजी के अध्यापक नहीं हैं। इस स्कूल में 10 गांव के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। कई बच्चे 10-10 किलोमीटर दूर से यहाँ शिक्षा ग्रहण करते आते हैं। इस बात को लेकर अभिभावक एवं ग्रामीण स्कूल में एकत्रित हुए और अगला कदम
क्या होगा इस पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि यहाँ 2000 से अधिक की जनसंख्या है, अगर उनकी समस्या हल नहीं होती है तो लोकसभा चुनावों का बहिष्कार किया जाएगा। एच टुडे के लिए रामपुर से नेगी की रिपोर्ट।